हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एनालिसिस करेंगे एशियन पेंट्स की। पहले ब्रीफली फंडामेंटल को जानेंगे और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट पर, जहां मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के आधार पर क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है एशियन पेंट में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एशियन पेंट ने पिछले एक साल में 39.89% का यील्ड दिया है। दोस्तों, अगर पिछले एक महीने की बात करें तो नेगेटिव ग्रोथ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब करेक्शन हुआ है और शायद ये एक संभावनाओं को जन्म देता है जहां पर हम इस स्टॉक में खरीदारी के बारे में विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां देखें अगर तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में करंट प्राइस जो है वो अधिक है दोस्तों, लेकिन इसका जो कंसिस्टेंटली जो रिटर्न्स है, यील्ड है, वो एफडीआर से अधिक है। दोस्तों, डिविडेंड के बारे में बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव डिविडेंड देने का यहाँ पर एशियन पेंट में हमें नहीं मिलता है। अब दोस्तों, कोई ऐसा रेड फ्लैग्स नहीं है इसमें जो क्लियरली विदित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी इस कंपनी में नज़र नहीं आती है। क्वालिटी चेक्स में अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन क्वालिटी चेक्स है और ग्रोथ स्कोर में दोस्तों वेरी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका पी जो है 83.5 है, जो इंडस्ट्री के पी 85.57 से कम है। पीबी रेशियो की बात करें तो 21.44 है अगेंस्ट सेक्टर के पीबी से 19.49, तो स्लाइटली अधिक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि प्राइस का अपसाइड अगर देखें तो 13.9% रहा है, अर्निंग्स का ग्रोथ 15.84% रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ 5.88% रहा है दोस्तों। तो एक नज़र फाइनेंशियल ट्रेंड पे डालते हैं दोस्तों, तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रहा है और प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखें लो प्रोस प्रमोटर होल्डिंग जो इसके फेवर में जाता है और म्यूचुअल फंड में पिछले तीन महीने में दोस्तों करीब करीब एक्सपोजर सिमिलर रहा है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं जो ब्रीफली फंडामेंटल्स हमने अभी आपके साथ डिस्कस की। चलिए अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की शुरुआत मंथली चार्ट से करते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि ये मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में है, हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो ये एक इस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन थी। और अगर इस लाइन को देखें जो रेजिस्टेंस के पिवट्स को ज्वाइन करके ड्रॉ की गई है, तो प्राइस का रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, तो इन दोनों ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है राइजिंग पैरेलल चैनल, जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रही थी दिसंबर 2016 से। अब फाइनली यहाँ पर जाके उसका ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 2020 में, जिसने इंडिकेट दिया कि प्राइस अब अलग ट्रेजेक्ट्री में जा चुकी है और अब अपर फाइबर जो था चैनल का वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। प्राइस ने अपसाइड मूव दिया और जनवरी में इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 2873.45 का, और उसके बाद करेक्शन हुआ क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थी। और करेक्शन होने के पश्चात हम देख सकते हैं अपर फाइबर जो था चैनल का, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और करंट मंथ की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो करंट मंथ की कैंडल मार्च 2021 की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम वेव की एनालिसिस करें तो प्रायर इम्पल्सिव वेव बहुत डिसाइसिव इम्पल्सिव वेव है। इसका अगर रिट्रेसमेंट चेक करें तो 38.2% लेवल आता है 2279 पर। और दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कन्फ्लुएंस है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर राइजिंग
चैनल के अपर फाइबर से जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो हमें कन्फ्लुएंस काफ़ी मिले दोस्तों। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस चैनल में प्राइस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने थ्रोबैक किया और ये चैनल के अपर फाइबर को टेस्ट करके फर्स्ट मार्च की कैंडल को देखेंगे आप तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और पिछले 3 वीक से इसमें बाइंग विटनेस की जा रही है दोस्तों। और प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जो मल्टीपल कन्फ्लुएंस था, EMA 21 का, राइजिंग चैनल के अपर फाइबर का, 38.2% जो प्रायर इम्पल्सिव वेव है उसका। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में रीसेंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो मासिव इम्पल्सिव वेव का ये जो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद शुरुआत हुई एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की, ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3 और ये करेक्शन की समाप्ति जो हुई, प्राइस ने सपोर्ट लिया SMA 144 पे जो कन्फ्लुएंस है 38.2% का जिसे हमने मंथली चार्ट में ड्रॉ किया था। और इसके अलावा दोस्तों ये कन्फ्लुएंस है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जहाँ पहले मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन था, तो कई कन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं। वेट ऑफ एविडेंस इंडिकेट करता है कि इसमें बाइंग आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते हैं, ये देखिए ट्रेंड लाइन, प्राइस का रिजेक्शन मल्टीपल रिजेक्शन जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन खींचें तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर फॉलिंग वेज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ जिसका ब्यूटीफुल ये बेस था। तो दोस्तों जब भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन होंगे तो मोस्ट लाइकली वी आर लाइकली टू एनकाउंटर अ फॉलिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन एंड अ ब्रेकआउट। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो आप देखिए प्राइस लोअर लो बना रही थी बट मोमेंटम में डाउनसाइड इफेक्ट डिमिनिशिंग था। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हम क्लियरली देख सकते हैं RSI के ऊपर में जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो दोस्तों ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि प्राइस मार्कअप फेज में है और करेक्शन की प्रोबेबली एक साइजेबल करेक्शन की समाप्ति होती हुई नज़र आई है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट की एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में भी करें तो प्रायर इम्पल्सिव वेव का अगर रिट्रेसमेंट देखते हैं तो प्राइस ने 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया जो कॉन्साइड कर रहा है 38.2% जिसे मंथली चार्ट में हमने ऑब्जर्व किया। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आज की कैंडल को देखें तो आज की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर गौर से अगर देखें तो मैं एक और छोटी सी ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड में था ये आप देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर। तो अब स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है, आज की कैंडल को कंप्लीट होने दें 16 मार्च 2021 की और उसके हाई के ऊपर में कल के ट्रेडिंग सेशन में 22 स्टॉप ऑर्डर डाला जा सकता है, वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे अन्यथा हम उसको अवॉइड करने में सफल हो पाएंगे। या दोस्तों आप देखिए कैंडल का रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, 12 मार्च 2021 की कैंडल का हाई है 2464.65, तो हम 2466 पर 2466 पर एक 22 स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और वो अगर ट्रिगर हुआ तो क्या बातें होंगी दोस्तों। एक तो क्या है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। आज हम देख सकते हैं वॉल्यूम में अच्छा खासा इंक्रीज है दोस्तों जो कंफर्म करता है कि ये इम्पल्सिव वेव जो बनी जब करेक्शन हुआ तो पिछले लो को इसने नहीं तोड़ा। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जहाँ पे प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था और ये 38.2% 78.6% का भी कन्फ्लुएंस है, तो इससे 1 ATR नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को पोजिशनली
रख सकते हैं, और या फिर दोस्तों SMA 144 को एक यार्ड स्टिक बना के उससे 180 आर नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को रखकर एक पोजिशनली इसको एक लॉन्ग ट्रेड के लिए ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, जो नया ट्रेंड इमर्ज होने की संभावना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। अगर हम इमीडिएट टर्म्स में टारगेट की बात करें दोस्तों, तो चलिए प्रायर इम्पल्सिव वेव को हम रेफरेंस लेते हैं, ये इम्पल्सिव वेव को, और इसके आधार पे टारगेट निकालते हैं। तो दोस्तों इसका टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 3000 लेवल पे, जो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल प्राइस ट्रेड हो रही है 2451 पे, और इसके बाद टारगेट आ रहा है 3400 पे। तो दोस्तों टारगेट तो होते हैं वो नोशनल होते हैं, इसीलिए ट्रेंड को राइड करना और स्टॉप लॉस को ट्रेड करना, ट्रेल करने की स्ट्रेटजी जो है वो मैक्सिमम ट्रेंड के बेनिफिट को हमारे तक पहुंचाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए सब्सक्राइब करने के पश्चात, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट अपलोड जब चैनल पे आए तो उसे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।